जैसे ही हम कोई मेडिसिन औरली इंजेस्ट करते हैं तो ये चार फेज से गुजरती है पहला होता है ए फेज दूसरा डी फेज तीसरा एम चौथा ई तो ए फोर होता है एब्सॉप्शन डी फोर होता है डिस्ट्रीब्यूशन और एम फोर होता है मेटाबोलिज्म और ई e फोर होता है एक्सक्रीशन। तो इस मेडिसिन का पहले एब्सॉपसन होगा मतलब कि ये मेडिसिन ब्लड में एंटर हो जाएगी फिर इस मेडिसिन का लीवर में जाकर मेटाबॉलिज्म होगा और अंत में इसका एक्सक्रीशन हो जाएगा मतलब कि इस मेडिसिन का लास्ट जो प्रोडक्ट बचता है वो या तो किडनी के द्वारा एलिमिनेट होगा किडनी से यूरिन मतलब के पेशाब के द्वारा ये निकल जाएगी या बाइल के थ्रू इंटेस्टाइन से होकर रेक्टम में पहुंचने के बाद इस टूल के द्वारा ये बाहर हो जाती है तो मेडिसिन का एक्सक्रीशन या तो किडनी द्वारा होगा या फिर बाइलेरी एक्सक्रीशन होगा मतलब के बाइल के द्वारा होगा सबसे पहले जान लेते हैं ऐसी एंटीबायोटिक्स मेडिसिन जो किडनी पेशेंट में सेफ मानी जाती हैं तो ये मेडिसिन बाइल इलिमिनेशन के थ्रू बाहर हो जाती हैं। ये किडनी के द्वारा बाहर नहीं होती हैं तो किडनी पेशेंट में इनको सेफ माना जाता है तो ये कौन कौन सी मेडिसिन होती हैं तो ये मेडिसिन पेनिसिलिन टेट्रासाइकिलिन मैक्रोलाइट मैक्रोलाइट मेडिसिन के अंत में थ्रोमाइसिन होता है जैसे कि एजिथ्रोमाइसिन और इरिथ्रोमाइसिन तो एजिथ्रोमाइसिन के अंत में थ्रोमाइसिन है और इरिथ्रोमाइसिन के अंत में भी थ्रोमाइसिन है तो ये दोनों मैक्रोलाइट क्लास की मेडिसिन है तो मैक्रोलाइट क्लास की एजिथ्रोमाइसिन और एरिथ्रोमाइसिन ये मेडिसिन किडनी पेशेंट में सेफ मानी जाती हैं इन मेडिसिन के अलावा क्यूनोप्रिस्टिन और डेल्फोप्रिस्टिन क्यूनोप्रिस्टिन और डेल्फोप्रिस्टिन के कॉम्बिनेशन को हम स्ट्रेप्टोग्रामिन्स के नाम से जानते हैं स्ट्रेप्टोग्रामिन्स भी किडनी पेशेंट में सेफ मानी जाती है और क्लोरेमफेनिकोल क्लोरेम फेनिकोल जिसका यूज़ एयर और आई इन्फेक्शन में किया जाता है इसके अलावा लिंजोलिट लिजोलिट का यूज़ निमोनिया और स्किन इन्फेक्शन में किया जाता है और रिफेम्पिसिन इसका यूज टी में होता है फ्लोरोनोलोन इन मेडिसिन के अंत में ऑक्सासिन टर्म देखने को मिलता है जैसे कि ऑफ्लोक्सासिन और लिबोफ्लोक्सासिन। तो ऑफ्लोक्सासिन के अंत में ऑक्सासिन है और लिबोफ्लोक्सासिन के अंत में भी ऑक्सासिन है तो ये दोनों मेडिसिन देखिए फ्लोरोनोलोन क्लास की मेडिसिन है और आइसोनिजेड जिसका यूज टीबी केस में किया जाता है तो रिफेम्पिसिन आइसोनी एसिड ओफ्लोक्सिन लिबोफ्लोक्सिन क्लोरेमफेनिकोल लिंसोलिट और स्टेप्टोक्रेमिन्स ये मेडिसिन भी किडनी पेशेंट में सेफ मानी जाती हैं क्योंकि इन मेडिसिन का एक्सक्रीशन बाइल द्वारा होता है नेक्स्ट जान लेते हैं नेफ्रोटॉक्सिक मेडिसिन के बारे में तो ये एंटीबायोटिक्स मेडिसिन है जो किडनी फंक्शन को नुकसान पहुंचाती हैं जिससे देखिए किडनी फेल होने का खतरा बढ़ सकता है तो ये कौन कौन सी मेडिसिन है तो इसके अंदर आती है बेनकोमाइसिन और एमाइनो क्लास की मेडिसिन एमाइनो मेडिसिन के अंत में एम बाई सी आई एन माइसिन और एम आई सी आई एन माइसिन देखने को मिलता है तो एमाइनो ग्लाइकोसाइट मेडिसिन ये होती है स्टेप्टोमाइसिन एमिकासिन जेंटामाइसिन केनामाइसिन नेतिलइसिन टोब्रामाइसिन, सीसोमाइसिन तो बेनकोमाइसिन और एमाइनोग्लाइकोसाइड्स क्लास की मेडिसिन ये नेफ्रोटॉक्सिक मेडिसिन होती हैं इसी के साथ साथ पोलीमाइसिन और एम्फोटेरिसिन एम्फोटेरिसिन एक एंटी फंगल मेडिसिन होती है तो ये मेडिसिन भी नेफ्रोटॉक्सिक मेडिसिन है ये मेडिसिन किडनी को नुकसान पहुंचा सकती हैं किडनी पेशेंट में इन मेडिसिन को एवॉइड करना चाहिए इसके अलावा ओटोटॉक्सिक मेडिसिन जो हमारे अंदर हेयरिंग और बैलेंसिंग प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती हैं तो वह एंटीबायोटिक्स मेडिसिन कौन कौन सी हैं तो ये है बेनकोमाइसिन एमाइनोग्लाइकोसाइड क्लास की मेडिसिन क्यूनिन क्लोरोक्यून और रिथ्रोमाइसिन क्यून और क्लोरोन ये एंटी मलेरियल ड्रग्स होती हैं ये एंटी मलेरियल और एंटीबायोटिक्स मेडिसिन ये ऑटोटॉक्सिक ड्रग्स होती हैं नेक्स्ट बात कर लेते हैं ऐसी एंटीबायोटिक्स मेडिसिन जिसको लेने के बाद सीजर्स मतलब कि दौरे या मर्गी हो सकती हैं तो ये मेडिसिन फ्लोरोक्यूनोलोन जैसे कि ऑफ्लोक्सिन प्रोकेन पेनीसिलिन एमीपेनम जो कि कार्बापेनम क्लास की मेडिसिन होती है और साइक्लोसेरीन जिसका यूज टीबी के केस में किया जाता है तो ऑफ्लॉक्सासिन ऑफ्लॉक्सासिन प्रोकेन पेनिसिलिन एमिपेनम और साइक्लोसेरीन इन मेडिसिन के कारण दौरे या मिर्गी पड़ सकते हैं नेक्स्ट बात कर लेते हैं सिडोमेम्ब्रेनस कोलाइटिस के बारे में ऐसी कौन-कौन सी एंटीबायोटिक्स मेडिसिन है जिसके कारण कॉलन मतलब कि बड़ी आंत के अंदर अल्सर या कोलाइटिस हो सकता है देखिए यहाँ पर टर्म है कोलाइटिस कोलाइटिस का क्या मतलब है देखिए यहाँ पर दो तो टर्म है पहला है कॉल दूसरा है आइटिस तो कॉल शब्द देखिए कोलन से मिलकर बना है और आइटिस का मतलब होता है इन्फ्लामेशन तो कोलन में अगर इन्फ्लामेशन हो जाता है तो उसको हम कोलाइटिस के नाम से जानते हैं कोलन की इनर लेयर में इन्फ्लामेशन हो जाता है इसी को हम सीडोमेम्बरिनस कोलाइटिस के नाम से जानते हैं तो वे कौन कौन सी एंटीबायोटिक्स मेडिसिन है जो सीडोमेम्बरिनस कोलाइटिस कर सकती हैं तो ये मेडिसिन थर्ड जनरेशन की सेफिलोस्पोलिन जैसे कि सीफोडोक्सिम सेफेक्सिम और सेप्ट्राइक्सोन इसी के साथ साथ क्लिंडामाइसिन और फ्लोरोनोलोन सेप्ट्राइसोन जो कि थर्ड जनरेशन सेन है क्लेंडाम और ऑफ्लोक्सासिन जो कि फ्लोरोक्यूनो लॉन् क्लास की मेडिसिन है तो ये मेडिसिन स्यूडोमेम्ब्रेनस कोलाइटिस कर सकती हैं